हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए मेहमान के साथ फेसबुक लाइव में हाजिर हूं। आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर रितु सिंह, जो कि ये स्कॉलर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं और इसके अलावा वो एक्टिविस्ट भी हैं, वो हम लोगों के साथ अभी गाजीपुर, जो गाजियाबाद का जो बॉर्डर है, वहाँ से गाजियाबाद के बॉर्डर से जो किसानों की जो तहरीक है, जो आंदोलन है, वहाँ से हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमसे वो बात करेंगी कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो रितु जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस फेसबुक लाइव में, और टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा हम प्रोग्राम को शुरू में नहीं हम शुरू कर सके, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो गाजियाबाद में जो आप हैं, तो वहाँ पे आपको क्या, वहाँ पे माहौल है अभी, किसान आंदोलन जो है उसकी क्या स्थिति? जी रितु जी, रितु जी आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? रितु जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? कुछ रितु जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि आप जो गाजियाबाद के जो बॉर्डर पे हैं, वहां पे किसान आंदोलन के साथ आप वहां पे हैं और वहां पे सारी चीजों को देख रही हैं, क्या वहां पे हालत है, कुछ बताइए। रितु जी, क्या हमारी मेरी आवाज पहुंच रही है? आंदोलन की स्थिति बहुत अच्छी है। जब दिसंबर में, पहले तो आपका शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए अपने इस मीडियम पे और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। एंड डॉक्टर अभय, आई टेल यू द फैक्ट कि यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि स्थिति अच्छी ही थी। आप समझ सकते हैं कि जब सर्द दिसंबर की इतनी सर्द रातें, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब हम लोग दिसंबर, अगर एक महीना पीछे की बात कर ले, इतनी ज्यादा ठंड रहती थी और बुजुर्ग। दोस्तों, कुछ लग रहा है कि चूंकि वो धरने पे हैं तो वहां पे इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कुछ ही लम्हों में हमारे साथ रितु जी फिर से जुड़ेंगी। तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट तो हमारे हाथ में नहीं है, मैं वही उनसे सवाल कर रहा था कि वहां पे क्या सिचुएशंस हैं। जस्ट कुछ देर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, रितु जी हमारे साथ फिर आएंगे। जी रितु जी, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दौलत राम कॉलेज में, वहां पे वो साइकोलॉजी पढ़ा रही थी और उनसे संबंधित भी बहुत सारे विवाद कुछ महीने पहले कॉलेज की तरफ से हुआ था, उनके अपॉइंटमेंट को लेके, उनके जॉब को लेके, इस पे भी दिल्ली में काफी हंगामा हुआ। और ये मामला, मैं रितु जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि ये कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो ये इस पे भी हम उनसे 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 बात करेंगे। लेकिन पहले मैंने जो सवाल किया था उनसे किसान के बारे में, अभी वो स्क्रीन पे नहीं है, थोड़ी देर में रितु जी आ रही हैं, फिर आपसे बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग बने रहिए। जी, या आई हैव एक्चुअली चेंज्ड माय डायरेक्शन नाउ। जी अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है जी, बोलिए। जी मैं वही बता रही थी कि जब सर्दी की तेज रातें थी, इस तरीके का माहौल था, तो तब आंदोलन इतनी, जो सबके अंदर जो जील और एक एंथुजियाज्म था, वो इतना ज्यादा था। तो आज तो फिर इतने महीने हो गए हैं, बहुत तोड़ने की कोशिश करी सरकार ने, या ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट को एक दूसरी दिशा देने की कोशिश करी, बट आई थिंक आप सत्य को जितना मजबूर करते हैं वो उतना ही मजबूत होता है। तो यही एक दिशा है, हम जैसे एक्टिविस्ट भी सच की लड़ाई और दिन रात यहाँ पे बैठे हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और अभी मतलब अगर वक्त लगा तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि ये आंदोलन सिर्फ अब किसान आंदोलन का वो नहीं रहा है मोहताज, या सिर्फ ये नहीं कह सकते कि किसान ही है यहाँ पे, ये एक जन आंदोलन बन चुका है। दिस हैज बिकम अ मास प्रोटेस्ट नाउ। जी
अच्छा एक एक कुछ रोज पहले आई थिंक मंडे के रोज प्राइम मिनिस्टर जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो उनका एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने जो कहा था कि आंदोलन के ऊपर जीने वाले कुछ लोग पैदा हो गए हैं, कुछ ऐसे जमात पैदा हो गई है और उन्होंने उसको एक खतरा बताया और एक नया टर्म भी उन्होंने कॉइन किया कि मतलब आंदोलन जीवी, हमने सुना था परजीवी सुना था जी परजीवी सुना था इस, और कुछ लोगों ने उस जो टर्मिनोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं जो आपको जर्मनी में जिस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता था कि पैरासाइट हैं तो ये मिले हुए हैं, तो इस तरह से इस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है तो उससे तो लोगों में काफी मायूसी है और शायद प्राइम मिनिस्टर ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल हार्ड लाइनर हैं, हम बात नहीं करेंगे। किसान ने इसको कैसे मतलब इसको कैसे रीड किया? किसान ने और एक्टिविस्ट ने सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया क्योंकि उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, शुक्रिया अदा इसलिए किया कि उन्होंने आंदोलन जीवी का शुक्र कीजिए, आपको उनके मुंह से आतंकवादी नहीं कहा, खालिस्तानी नहीं कहा, नक्सली नहीं कहा, जो उनके नेता कहते आए हैं। जो टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म नई नई उजागर करके हर आंदोलन को बर्बाद करने के लिए या उसकी रूपरेखा चेंज करने के लिए इस तरह के जो वो शगुफे छोड़ते आते हैं हमेशा, शुक्र कीजिए वो नहीं कहा। अगर आंदोलन जीवी कहा है ठीक है, मतलब आपने बहुत सही कहा कि ये जो जर्मनी वाला आपने एग्जांपल दिया, उन्होंने थोड़ा सा आप लोगों को मेरे साथ नॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर स्टैंडिंग ऑन द मेन रोड, तो अगर आवाज आए तो उसके लिए माफ कीजिएगा। तो हाँ, सबने किसानों ने थोड़ा सा उन लोगों को लगा ये चीज हिट करी थी कि प्रधानमंत्री जी ने, मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो लाइव आते हैं या वो मन की बात करते हैं या वो कोई मैसेज देते हैं तो उनसे हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल पोजिशन पे बैठे हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो आप कुछ ऐसी बात कीजिए जिससे लोगों में हौसला अफजाई हो, आप ऐसी श्योरिटी दीजिए अपने आप से कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ आप जनता के लिए सुन रहे हैं। जो इतने 200 से ज्यादा फार्मर्स की जान जा चुके हैं यहाँ पे, जो जिन्हें हम कहते हैं कि जो शहीद हो चुके हैं, चाहे वो ठंड की परिस्थिति की वजह से, इधर यू कैन से कि वो ओल्ड एज थे या कुछ भी, क्योंकि इस तरह की चीजें देखकर, जस्ट अ सेकेंड कैन आई, हाँ, तो इस तरह की चीजें देखकर हर एक को उम्मीद थी कि जब आ रहे हैं इतने टाइम के बाद तो कुछ अच्छा बोलेंगे, क्योंकि संसद का सेशन भी रिवाइव हुआ था तो उनसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि शायद दिस इशू इज नॉट अ नेशनल इशू, इट हैज यू नो टेकन अ शेप ऑफ अ ग्लोबल। अगर आप देखा जाए तो ओवरसीज से भी इतना सपोर्ट आ रहा है और किस किस ने इस चीज की आवाज नहीं उठाई। ऐसी सारी चीजों को देखते हुए जब आपका प्रधानमंत्री बोलने आता है और वो कुछ ऐसा कह जाते हैं जो जनता ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, क्योंकि हर एक को लगता है यार आफ्टर ऑल इंसान ही है ना, कभी तो पिघलेंगे, मतलब 56 इंच का कहते हो तो 56 इंच के सीने में दिल है कि पत्थर है, तो आए टाइम उनसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन वो जो है वो हमेशा दिखाकर चले जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा था बट ठीक है, पीपल हैव टेकन इट एज अ कॉम्प्लीमेंट की शुक्र है अपने मुंह से कहीं आतंकवादी नहीं कह दिया और खालिस्तानी इस तरह का कुछ कह के या पाकिस्तानी कह के नहीं गए। जी देखिए, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको भी पता है कि हम लोग भी पॉलिटिकल साइंस में जब कुछ बेसिक चीजें डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं तो एक एक जो बात सामने आती है कि जो विवादों का या डिफरेंट इंटरेस्ट का जो समाधान जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, क्योंकि एक क्लास के इंटरेस्ट दूसरे क्लास के साथ मेल नहीं खाते हैं, तो इतना रिजिड ये सरकार जो है एक ही क्लास के इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे लेके चलती है, एक क्लास नहीं कुछ दो चार पूंजीपति लोगों के इंटरेस्ट को उनको नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे दिखा रहे हैं, तो ये भी काफी खराब है। जी आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे? खराब नहीं, बहुत खराब है। देखिए, इन्होंने, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक ही तरफ के या एक ही तरफ की बात सुन के और एक ही तरफ के इंटरेस्ट को सॉल्व करना, यहाँ से पता चलता है कि जैसे मैं हमेशा अक्सर अपनी बातों में भी कहती हूँ, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है अपनी वॉइस रखने का, आवाज उठाने का, उसको पूरा चेज करते हुए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ अपने अधिकारों को, तो मैं ये कहती हूँ कि जैसे आप किसी के एजेंट हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि साफ दिखता है कि जिसने आपको सत्ता में लाया है, जो आपको सत्ता में चुन कर लेकर आए हैं, आप उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, आप ना ही जनता हित के लिए वहां बैठे हैं, आप 500 ये भूल चुके हैं और इन्होंने दुनिया को भी पूरी गुमराह करके, जो आवाम है हमारे देश की उसको पूरा ये इन्होंने ठेका ले लिया ये बताने का कि हम 545, मैं इवन नॉट ओनली 303 की बात कर रही हूँ, बट ओवरऑल अगर देखा जाए कि 545 जो चुन के जाते हैं वो ये दिखाते हैं कि जी हमारे पास पावर है और हम कुछ भी कर सकते हैं,
और ये 303 की जो सरकार है ये हमेशा आपको ये दिखाएगी, पिछले अगर 2014 से आप देखें इनका तमाशा, तो वो यही दिखा रही है कि वी आर द रूलर्स, यू नो हम डिक्टेटर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपने हमें चुन के भेजा है, हमारे पास अधिकार है कुछ भी करने का। और इनका ये जो शुरू से स्ट्रैटेजी रही है, अगर आपने 2014 के पहले देखा हो, ये जो सीएम से पीएम बन गए, कर्ज माफ करते आते किसानों का, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, दैट्स व्हाट दे आर एजेंडाज आर, उन्होंने इसी को करके सुप्रीमेसी ऑफ वन रिलीजन, यू नो वो करके एक धर्म का वो करके दिखाकर अपने वोट इकट्ठे किए और लोगों को उन्हीं नफरतों में बांट के अपनी राजनीतियां खेली और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, विच इज वेरी शेमफुल फॉर ऑल ऑफ अस एज अ यूथ। इट इज यू नो समहाउ अलार्मिंग टू अस कि अब इसके बाद क्या, अब ये और क्या करेंगे, और क्या बचा है। तो ये चीजें बहुत दुख दुख भी पहुंचाती हैं हमें, पीड़ा भी देती हैं, क्योंकि हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और ये बोलते हैं कि कुछ लोगों का तो रोटी ही आंदोलन से या जिंदगी ही आंदोलन से चल रही है। तो आप प्रधानमंत्री से अगर देखा जाए, सबसे पहले इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे होने के बावजूद जिस आवाम ने, जिस जनता ने आपको वोट देकर दिया है या नहीं, दैट आई डोंट नो, बट अगर उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन से बिठाया है तो आपको वहां इसलिए नहीं बिठाया कि मेरा झूठ सबसे मजबूत, कि आप एक के बाद एक के बाद जुमला फेंके, एक के बाद एक के बाद झूठ बोले, और कुछ आपका जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजीज आप लेकर आते हैं मैनिफेस्टो में, वो इतनी बड़ी बड़ी लेकर आते हैं और खाके में तो सब कुछ है, लेकिन रियालिटी पे अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप जब इस तरीके के शगुफे छोड़ते हैं तो बहुत दुख लगता है कि इस सरकार ने भी सिर्फ धर्मों में बांट के लोगों को, जातियों में बांट के, एक धर्म को ऊपर कर कर कि यू नो जो हम है हम ही है, हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू होना, मुस्लिम होना, दलित होना, आदिवासी होना, सिख होना बुरी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर धर्म के पास अपना रिलीजियस फ्रीडम, लेकिन जो एक एजेंडा चलाना कि आप उसी आधार पे, हिंदुत्व के आधार पे ही आप अपनी सुप्रीमेसी भी दिखाओगे, आप ये भी दिखाओगे कि हम मॉब लिंचिंग भी करेंगे, डंडा भी उठाएंगे, फिर संरक्षण भी मिलेगा आपको लोगों का, बड़े बड़े लोगों का, और पुलिस भी आपका साथ देगी, दैट इज रियली पेनफुल एंड वरीसम, एक सोचने की चीज है, विचार करने की चीज है। जी अच्छा रितु जी, आप तो इस पूरे आंदोलन को बहुत ही करीब से देख रही हैं, उनके साथ आपकी सॉलिडारिटी भी है, तो मैं जो समीक्षा करता हूँ अखबारों का, तो दो तीन नैरेटिव उनके हैं, जो दो तीन नैरेटिव चलाते हैं इस आंदोलन को खारिज करने के लिए। सबसे पहला उनका नैरेटिव ये है कि ये जो है कुछ मुट्ठी भर किसान जो है, खासकर पंजाब के और इधर के उधर को, जिसको ये खास पार्टी जो है अपने राजनीतिक मफाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इकट्ठा की हुई है, तो कोई वहां पे बढ़िया बढ़िया खाना खा रहा है, तो वहाँ एसी लगा हुआ है, तो पंखे लगे रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि वहां पे मौज मस्ती मन रहा है प्रोटेस्ट के नाम पे। तो ये बहुत लोग हैं जिनके बीच में इस तरह की मतलब गलत फहमियां फैलाई जा रही है कि ये जो आंदोलन है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है भारत के सारे किसानों का, और यहाँ पे लोग बहुत ही मजे कर रहे हैं, ये जो आपने बात कही कि ये आंदोलन करने वालों का एक बन चुका है, एक सर्कस टाइप का बना हुआ है कि यहाँ आंदोलन करेंगे, वहां आंदोलन करेंगे, देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो जो लोग इस तरह की बातों को सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जी उनको आप कैसे समझाएंगे? मतलब जो इस तरह की बातों को सुन के और उस पर विश्वास करें कि ऐसा है, जी 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 जी, जी उनको उनको कैसे पैगाम देंगे, इतना प्रोपेगेंडा है जी। शर्मनाक है, दुख है इस बात का, लेकिन पहले आपकी आखिरी वाली बात पकड़ती हूँ, जो आपने कहा प्रोपोगंडा है, राइट, इतना प्रोपोगंडा फैला चुके हैं। प्रोपोगंडा देखिए कैसे फैलता ना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पे, राइट, जब सत्य नहीं पता होता या किसी को कोई झूठ बोलना है और उसके कुछ चंद उसके सिस्टम या चीजें उसके हाथ में है तो वो झूठ फैला दे उससे। जैसे हमारा जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है वो है मतलब मीडिया, जैसे हम कहते हैं ये होता है, राइट, चौथा स्तंभ। तो जब मीडिया ही अपनी सैनिटी, अपनी जो अस्तित्व है, जिस चीज के लिए वो बना है, वो भूल चुका है, तो इस तरह का सच जब तक आंदोलन से निकलता है ना, तो जब तक आप उसको देखते हैं वो झूठ बन जाता है, वो कब झूठ बनता है आपको पता भी नहीं चलता। यही सेम इस आंदोलन के साथ भी हुआ कि
आप इस आंदोलन में एक नहीं है, आपने बहुत सही कहा, दिस इज नो मोर अ किसान आंदोलन नाउ। जब आपने पहले शुरुआत में ये चीज कही, दिस हैज बिकम अ मास प्रोटेस्ट, जन आंदोलन, इसकी वो रूपरेखा हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखे जाए, अभी हम यूपी बॉर्डर पे, तो यूपी के लोग भी हैं, आप गुजरात के लोग भी हैं, राजस्थान के लोग भी हैं, यहाँ पे पंजाब के तो है ही है, हरियाणा के लोग भी हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, तो ऐसा नहीं एक जगह के, तमिलनाडु के भी हैं, केरला के भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हो सिर्फ जो आपका झूठ है जो चलता आ रहा है, एक नैरेटिव जो आप फैलाते आ रहे हैं गोरी मीडिया के थ्रू, और कुछ अखबार जो हैं जो वही लिखेंगे जब आप उनकी जेब गर्म करोगे तो वो वही लिखेंगे जो आप चाहोगे, तो वो जो एक झूठ का प्रचार आपने किया, क्योंकि मीडिया का काम या न्यूज़पेपर का काम या इन अखबारों के जर्नलिस्ट का काम होता था, आज विपक्ष कहाँ है हमारा? आज जब वो विपक्ष नहीं है रहा, विपक्ष विपक्ष नहीं रहा, जर्नलिज्म अपना जर्नलिज्म का जो काम है वो भूल चुका है, तो हम जैसे एक्टिविस्ट को, स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या और आंदोलनकारियों को सामने आके विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ रही है और लोगों को जागरूक करके सच दिखाना पड़ रहा है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, जब व्हेन एवरीवेयर, जब हर जगह झूठ इतना ऊपर हो चुका है, फैल चुका है अच्छे से, तो इस सरकार ने जब इस आंदोलन की वो खराब करने के लिए ये कहा कि यहाँ पे मुट्ठी भर किसान है या नकली किसान है या फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है, चीन फंड दे रहा है, तो आप मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे इस आंदोलन में हमने थोड़े दिन पहले महिला दिवस भी मनाया था, वो महिलाएं थी जिसमें बीबियां भी, जिसे पंजाब में बीबियां मतलब बीबियां ऑफ ओल्ड एज, जिन बेबीज भी थी, बीबियां मतलब सब तरह के लोग थे, और बुजुर्ग जिन्होंने शहीद हो गए या जिन्होंने जिनकी जान चली गई, इस तरीके के लोग भी आंदोलन में है, तो क्या वो सब नकली किसान है या वो मुट्ठी भर किसान है? इट्स जस्ट दैट वी डोंट वांट टू शो द रियलिटी आउट, क्योंकि उसमें हमारा बुरा नहीं है, उसमें हमारा कुछ नहीं हो रहा, उसमें इनका सच और इनके औकात, इनकी असलियत बाहर आती है। तो ये जहां जहां सच है और जहां जहां इनके खिलाफ चीजें होती हैं वो बाहर आती है, तो ये उससे डरते हैं, ये सच से डरते हैं, क्योंकि जैसे आपने, जैसे अभी इनिशियली मैंने प्रोपोगंडा की बात बताई, अभी अभी हैशटैग चला था शायद डॉक्टर, अभी आपने देखा होगा, इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा, कहां से था वो? आर वी मैड, क्या हम मूर्ख हैं? हमें नहीं पता वो हैशटैग्स, वो चीजें कौन बनाता है? तो इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा जो हाफ इंफॉर्मेशन में या झूठ बोल के फैलाना, तो वो भाजपा सरकार से अच्छा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से अच्छा कौन कर सकता है? Wasn't that a propaganda when you were saying you will get 10 lakhs, काला धन वापस आएगा? वो प्रोपोगंडा नहीं था? 2 करोड़ रोजगार दे जाएंगे, वो प्रोपोगंडा नहीं था? वो सारी चीजें नहीं थी? बैक मनी स्विस बैंक्स में है पैसा, वहां से वापस आएगा, नोट बदल देंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे, वो प्रोपोगंडा नहीं था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितनी बेटियां बची, आज बेटियों का रेप हो रहा है और इन्हीं की सत्ता में बैठी औरतें एक शब्द नहीं लिखती है, इवन दे आर साइलेंट, यू नो दे वर वेरी वोकल व्हेन इट वाज सर्ज इन प्राइस फॉर अनियन एंड पेट्रोल, बट आज अगर किसी महिला का रेप हो जाए तो ये कभी मुंह नहीं खोलेंगी। तो व्हाट इज दैट? असली प्रोपोगंडा, असली झूठ तो ये फैलाते हैं, और असली जो इनके अखबार जो बिके हुए मीडिया चैनल है वो सच इन्फॉर्मेशन नहीं देते। एंड आई वॉन्टेड टू गिव दिस मैसेज फ्रॉम योर मीडियम, मैं तो बोलती ही रहती हूँ हर चैनल पे कि इन इन इनके फेक चैनल्स पे और इस गोरी मीडिया पे और मत रिलाय कीजिए, सोशल मीडिया देखिए, सोशल मीडिया की ताकत से समझिए, वो लोग जो रात दिन सड़कों पे रहते हैं ग्राउंड लेवल पे, हम लोग भी क्यों आंदोलन से जुड़े हैं? हम लोग भी इसीलिए कि सच जाने, लोगों की दिक्कतें जाने, कि लोगों को क्या समस्याएं हो रही हैं, सच के साथ है, इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने छोटे छोटे मीडिया हैंडल से रियलिटी को बाहर भेजा जाए और लोगों को दिखाया जाए कि दिस इज रियलिटी, नॉट जस्ट दैट कि वो गवर्नमेंट जो ये भूल चुकी है, उनको ये लग रहा है कि हम फॉरएवर इस उसमें रहने वाले हैं, वो ये सारी चीजें उनकी झूठ को और मजबूत ना होने दे और ये सच देखे। जी जी, तो दोस्तों आप सब लोगों को रितु जी का शुक्रिया करना चाहिए। रितु जी अभी गाजियाबाद के बॉर्डर से जहाँ पे किसानों का धरना चल रहा है वहां पे खड़ी हैं और हम लोगों को एक तरह से कहा जाए तो आंखों देखा हाल हम लोगों को सुना रही हैं। और जो मैंने उनसे सवाल पूछा था, पहला जो एलिगेशन जो राइट विंग की तरफ से आता है कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन चंद मुट्ठी भर लोगों का है और उनको इन्होंने नकारा और इन्होंने कहा कि यहाँ पे हर राज्यों के किसान यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज आप ये बताइए कि इस आंदोलन को अगर आप खासकर हिंदी अखबारों को देखें तो इसको काफी एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना के दिखाया जा रहा है, इसको फलाना संगठन से इसके तार जुड़े हैं, उस संगठन के इसके इससे तार जुड़े हुए हैं, और ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गणतंत्र दिवस के ऊपर इसी तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया। तो आप वहां पे हैं, ये आपको इतने सारे जो इल्जाम है वो कहाँ तक आपको सही और कहाँ तक गलत दिखते हैं? They are all false and fake. I don't accept these things. क्योंकि हम day one से यहाँ पे आंदोलन में हैं। हम हमेशा, आप अगर मेरे social media handles पे भी जाएंगे,
हम इतने वोकल हैं इस चीज को लेकर कि हम यूथ को भी हमेशा ये समझाते हैं कि जोश के साथ होश नहीं खोना। आवाम को जो नॉर्मल पीपल हैं, जो मान लीजिए इस प्रोटेस्ट में भी नहीं है या सड़क पे चल रहे हैं या आपके साथ जो इस प्रोटेस्ट में भी हैं, किसी को आपसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मुझे बताएं जिस तरीके से अभी से नहीं इनिशियली स्टार्टिंग से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करी, रही बात इस आंदोलन की अगर आप बात करें अभी इस मूवमेंट पे, तो मैं आपको बताती हूँ। आई एम फाइन थैंक यू। हाँ इट्स लाइव। अभी आपका सवाल क्या था? सॉरी मेरा लिंक ब्रेक। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो इल्जाम लगाए गए हैं, मतलब एक दूसरा सेकंड प्रोपेगेंडा ये है कि इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाया गया है, देश की सुरक्षा के साथ इसको जोड़ के एक खतरा के तौर पर दिखाया जाता है। I got it. देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं जो 26 जनवरी को जो एक मंशा किसी की या सरकार की या कुछ ऐसे लोगों की इस मूवमेंट को खराब करना, अगर ये मूवमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता तो आप मुझे बताएं किसान को आज 2 महीने से ज्यादा हो गए, तब क्यों नहीं हुआ? 26 जनवरी से पहले ये मूवमेंट पे लॉ एंड ऑर्डर किसी ने खराब क्यों नहीं किया? किसी ने इस आंदोलन की कंप्लेन क्यों नहीं करी? बल्कि उसी आंदोलन से एंटी सोशल एलिमेंट को पकड़ कर जो इन्हीं के लोग थे उनको पुलिस के हाथों भी थमाया। तो कभी भी ये लोग अपने हक के लिए बैठे हैं। ये लोग बहुत भोले लोग हैं। ये लोग वो लोग हैं जो जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, ये कोई बड़े लैंड होल्डर्स नहीं है। बड़े लैंड अंबानी अडानी की तरह होते तो परवाह भी नहीं करते क्या हो रहा है क्या नहीं होता। एक आधी जमीन चली भी जाती किसी के पास तो फर्क नहीं पड़ता। बट ये लोग वो हैं जो जितनी मेहनत या कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग हैं। सो यू कैन इमेजिन ये आप इनकी मंशा थी इस मूवमेंट को खराब करने की, इस मूवमेंट को गंदा करने की। तो उन्होंने वो पूरी पूरी तो उन्होंने पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से इसको लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना दिया जाए, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बना दिया जाएगा तो आधे लोगों को आप उठा के अंदर डाल दोगे बेबुनियाद पे। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप लिटरली अभी कुछ बॉर्डर पे जिन लोगों को प्रॉब्लम है या कुछ हुआ है उनसे या नोटिस आए हैं कुछ भी, दे वर क्राइंग देयर कि हम सुसाइड कर लेंगे। लिटरली दोस पीपल वर सेइंग हम इतने हरास हो चुके हम सुसाइड कर लेंगे। सो कभी भी मेरी इन फ्रंट ऑफ माई आईज I have not seen कि कहीं पे भी किसी के अंदर भी कुछ ऐसी फीलिंग हो कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके किसी को तंग करें या ऐसा आंदोलन की रूपरेखा बदलें या पुलिस के साथ या किसी के साथ बदतमीजी करें। नो, एवरीबडी हैज बिन, मतलब हर कोई इतना रिस्पेक्टफुल रहा, हर कोई इतना डिसिप्लिन में रहा, कभी भी किसी की कोई ऐसी मंशा नहीं थी जी। और आप देख सकते हैं, कभी आप यहाँ आए तो विजिट करें, देखिए किसी भी बॉर्डर पे चले जाइए, लॉ भी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की कदर करते हैं ये लोग कि हमारा कानून क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है, उस दायरे में रह के कोई भी काम करना है वैसे ही करना है। पुलिस को भी इतना रिस्पेक्ट है। आप मुझे बताया अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब करना होता तो आपने कुछ पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती देखी होंगी जहां पर पुलिस साथ बैठ के लंगर खा रही है और उनको खिलाया जा रहा है। You might have seen those pictures and videos. Then why it has happened on the 26th of January? 26th of January, I don't know what has happened that day exactly. But उस दिन वो पूरा movement ऐसा था, किसी के और का capture क्यों हुआ, बोले वाले इंसानों को राह भटकाया, कुछ इस तरह के elements थे बीच में जिन्होंने पूरा movement को खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करी। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हुआ कुछ भी हुआ, मैंने बार बार ये चीज कही, सरकार के पास पावर है ना, रिसोर्सेज हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप ही के जो अर्णव गोस्वामी ऐसी ऐसी चैट करते हो जो रिवील हो जाती है, तो सब कुछ आप कर सकते हो ना। आप 26 जनवरी के एक हफ्ता पहले की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, लोगों के फोन टैप्स करो, चैट्स देखो, सब कुछ कर सकती है सरकार। तो करके रियलिटी दुनिया के सामने लाओ, पता चल जाएगा कौन गुनहगार है, जिन पे भी इनको शक है। तो मेरे को तो यही लगता है कि रादर देन ब्लेमिंग बोले वाले किसानों को ब्लेम करना और उनपे एलिगेशन लगाने, आप ये काम क्यों नहीं करते जो अच्छा काम है जिससे रियलिटी पता चल जाएगी। लेकिन नहीं, आप वो काम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो सच बाहर आ जाएगा ना जी। अच्छा, एक और चीज थी जो जिसको लेके हम लोग बहुत ज्यादा, जो भी लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं, वो बहुत डरे हुए हैं कि 26 तारीख के बाद जो परेड हुआ और जो एक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद से इन्होंने जो सरकार थी और इनके जो लोग थे वो काफी एग्रेसिव हो गए और ऐसा एक कंपेन चला कि अब सारे लोगों को जेल के अंदर में बंद कर दो, इनके ऊपर FIR कर दो और जो सख्त तरीन जो दफात है उनको लगा दो, UAPA लगा दो, सिटीजंस लगा दो। तो क्या इस तरह से पुलिस क्रैकडाउन हो रही है या इस तरह का खतरा दिया जा रहा है या खतरा आपको दिख रहा है? हो रहा है, बहुत लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं, लेकिन खतरा कोई, नोबडी इज टेकिंग इट एज अ खतरा। आफ्टर ऑल अल्टीमेटली
जो भी होगा वो कानून के दायरे में, कोर्ट भी तो, कानून भी तो पूछा जाएगा ना, लॉ को भी तो ये लोग मानते हैं समझते हैं, क्योंकि हम आवाम को, जो भी लोग यहाँ पे, जो भी बोले वाले लोग हैं, जब वो इन छोटी छोटी चीजों से नॉट डर जाते बट परेशान हो जाते, परेशान करना ना, तो जब वो परेशान होते थे इस तरह के सवाल पूछते हैं, तो वी ट्राई, मैं आपके मीडियम से भी ये कहना चाहूंगी कि हम उनको समझाते हैं कि अगर ये कानून कानून की बात करते हैं, आप संविधान को सामने रखिए, संविधान के थ्रू अपने अधिकारों को लड़िए, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने संविधान, आपको सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, आपको जो पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं क्या, या फिर जो ये कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, ऐसा है? अगर ऐसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की जो सैनिटी है अगर उसको मेंटेन रखते हुए, उसको देखते हुए, मुझे तो यही लगता है कि जो भी इन्होंने अभी किया था, थोड़ा सा जो भी ड्रामा हुआ था कि लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं, फिर लोगों का जो भी चीजें हो रही हैं कि जैसे आई डोंट नो सम फेस डिटेक्टर या कुछ ऐसा है, जो भी लाल किला के उसमें अंदर थे या अदरवाइज भी, या जो कोई सेवा कर रहा है, कुछ ऐसा ऐसा मैंने सुना है, बट आई डोंट नो हाउ मच ट्रूथ इज देयर इन दिस इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा है तो थोड़ा बहुत ये स्ट्रेटजी जरूर है कि तंग करेंगे तो भाग जाएंगे, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स गोइंग टू वर्क। तो आपको लग रहा है कि 26 के बाद से आंदोलन और मजबूत हुआ है या कुछ वो छप जी? ऑफ कोर्स बिल्कुल मजबूत हुआ है, बट आपको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, जो लोग, कई लोग यहाँ पे आते हैं देखते हैं भीड़ कम है, नो भीड़ कम नहीं है, ये लोग हुआ क्या है अभी, क्योंकि हमारे, आपको भी पता है कि हमारे देश में स्मॉल लैंड होल्डर्स है, राइट, उनके बच्चे भी घर पे हैं, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते भी हैं, और वो समवेयर अगर कोई एक ही इनकम सोर्स है किसी की फैमिली में, तो वो 5 दिन के लिए आते हैं, वापस जाते हैं, अपना इनकम का साधन देखते हैं, अपनी जमीनों को देखते हैं, 5 दिन के लिए उनके फैमिली मेंबर्स आ जाते हैं घर से, तो वो इस तरह से चीजों को मैनेज कर देते हैं, इस तरह से चीजों को मैनेज करके चल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें, बट 26 तारीख के बाद मजबूती, हौसला, हिम्मत और बढ़ी है, स्पेशली द इंसिडेंट हैपेंड राइट हियर जहां पे मैं खड़ी हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर, उस दिन हम लोग 28 तारीख को सब लोग यहाँ पे थे, 28 तारीख के बाद की बात कर रही हूँ मैं, 26 तारीख को थोड़ा सा डिसहार्टन हो गए थे लोग कि मूवमेंट खत्म हो जाएगा, या हमारे मूवमेंट को जो जिस चीज को लेकर लोग डरते थे कि कहीं इसका इमेज मलाइन करके जो पाकिस्तानी और वो एंगल चल रहा था खालिस्तानी वाला वो ना कर दे, तो उस चीज का लोगों के अंदर ये था कि लोग बहुत होशियार उस एक फूक फूक के कदम रख रहे थे, बट 28 तारीख के बाद जो हुआ, 26 नहीं, मैंने शायद पहले 26 बोल दिया, बट 28 तारीख के बाद दैट इंसिडेंट हैपन एट द गाजीपुर बॉर्डर व्हेन जो टिकैत जी ब्रेकडाउन हो गए थे, रो पड़े थे, उसके बाद जो किसानों में हिम्मत आई, क्योंकि वो सच के साथ थे, उन्होंने सच को पकड़ा, उन्होंने कहा कि मेरे साथ में जो किसानों की जिम्मेदारी लेके रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है इनकी, मेरे कंधों पे, तो इनकी जिम्मेदारी है, आपने अगर इनको उठाना है, दादागिरी से धमकाना है, या आप अगर इन पे लट चलाओगे, कुछ करोगे, पहले मुझ पे चलाओ, पहले मुझे मारो, मेरे किसानों को आप कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि मैं उनको जिम्मेदारी से बाहर लेके रहा हूँ आंदोलन करने के लिए, और हम पीसफुल आंदोलन करें। तो सिंस देन द मूवमेंट हैज टेकन एक यू टर्न, लेकर पूरा नैरेटिव चेंज हो गया, और लोगों को वो समझ आ गई कि नहीं, हमारे साथ कोई है, हम अपने अधिकारों के लिए सच्चा बैठे हैं, और हमारा सपोर्ट किया किसी ने, तो उस चीज ने यूनिटी को और बढ़ा दिया, हौसले को, हिम्मत को और बढ़ा दिया, और अब तो आंदोलन की रूपरेखा बहुत ही खूबसूरत है, और अगर सरकार मूड में नहीं है या सरकार अपनी ईगो में है, तो दे आर ऑल्सो टू डिटर्मिंड। या अच्छा 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 रितु जी, ये बताइए, जो लोग उस साइड पड़े हुए हैं, जो लोग हुक्मरानों के साथ हैं, वो कह रहे हैं कि आंदोलन से निपटना जो है, मतलब इस सरकार को बखूबी आता है, और वो जितना ही वो आंदोलन करेंगे, आम जनता हमारे साथ आएगी, क्योंकि हम मीडिया के माध्यम से इस बातों को बार बार बता रहे हैं कि वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों की जो कन्वीनियंस है उसको हम नुकसान कर रहे हैं, तो क्या इस गेम प्लान में वो कामयाब होते दिख रहे हैं, या ये उनका अपना फेस सेविंग एक स्टेटमेंट है? वो दादागिरी से, गुंडागर्दी से, झूठ से कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अब आवाम बहुत जागरूक हो गई है, इट्स नॉट अ नेशनल, अब ये सिर्फ इस देश का मुद्दा नहीं रहा है, ये मुद्दा पूरा ग्लोबल अपना वो ले चुका है, आप एक सोर्स मीडिया को अपने हाथ में रख के आप लोगों को ये करने, गुमराह करने की कोशिश करते हैं, झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, और किसानों का हक खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसान अकेला नहीं है, किसान जागरूक है, और किसान के साथ सब लोग हैं, अगर वो यहाँ से डिफेम करेंगे इस मूवमेंट को, तो आंदोलन करेंगे और उनका असली जो चेहरा है वो सामने लेकर आया जाएगा, क्योंकि आंदोलन करने के लिए जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो लोग अपना घर बार छोड़ के दिल्ली की सर्द रातों में भी रहे हैं यहाँ पे, अभी भी हैं यहाँ पे, उनको कोई परवाह नहीं है, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपनी जमीन वो पूंजीपतियों के हाथ में, इस देश की अन्य वस्तुओं को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लुटाया वो लूटने नहीं देंगे, वो अपनी वस्तुओं को भी बचाएंगे, अपनी जमीन को भी, अपने बच्चों के भविष्य को भी बचाएंगे, अपनी किसानी को भी,
भी और अपने आने वाले फ्यूचर को भी बचाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी ये स्ट्रेटजीज हो पाएंगी सक्सेसफुल। जब 26 तारीख नहीं सक्सेसफुल जो उन्होंने करना चाहा वो नहीं हो पाया, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टू वर्क, मेरे को नहीं लगता। अच्छा रितु जी एक चीज और बताइए कि जो यहाँ धरने पे जो लोग बैठे हुए हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा सही है कि इनकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है या जनता इनके साथ हिमायत में खड़ा हो रही है, ये क्या चल रहा है? क्योंकि आप तो वहां पे जरा इसके बारे में बताइए। ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम। जिस दिन गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, हम लोगों ने प्लान किया था, जो रूट सरकार ने दिया था उस रूट से प्लान किया था कि हम इस रूट से जाएंगे, जो रैली करने के लिए दिया था 26 तारीख को। और जब हम लोग सब टिकैत जी के साथ थे और वो रूट टिकैत जी के साथ दिन हमने वो रैली ज्वाइन करनी थी, तो उन्होंने जो हमें रात को बताया था कि ये रूट मिला है, तो अगले दिन हमने उस रूट पे जाना था। और हम लोग जब अपने घरों की तरफ से आ रहे थे, हम आ ही नहीं पाए क्योंकि उस तरफ भी बैरिकेडिंग थी जिस तरफ से हमने आना था, और इस तरफ भी रूट गया था उस तरफ भी बैरिकेड्स थे। तो मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड अबे मैं, अच्छा हाँ पूछिए, आप क्या अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ये पूछ रहा था आपसे, ये सवाल मैं पूछ रहा था कि हम लोगों को मतलब आंदोलन से बाहर इस तरह की इमेज मीडिया क्रिएट कर रही है और जो उनके लोग हैं क्रिएट कर रहे हैं कि आप जितना ही आंदोलन पर बैठेंगे लोग उतना ही नाराज होंगे और आप डिस्क्रेडिट होंगे। सुनिए सॉरी, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा लोग आ जा रहे हैं तो मेरा डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है। तो आपकी मैंने ये आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि बैरिकेड्स लगाए थे, उसके बावजूद भी जब रैली जितनी भी जा सकी जा सक पहुंच रही थी रास्ते में, यू कांट इमेजिन दिल्ली के लोग सड़कों पे फ्लाईओवर पे आके फूलों की वर्षा कर रहे थे कि जो आपने कर दिखाया वो किसी ने नहीं कर दिखाया। आई हैव द पिक्चर्स, आई कैन सेंड यू, एंड देयर आर वीडियोस ऑन द सोशल मीडिया जो वायरल हुई है, जब वो लोग वर्षा कर रहे हैं फूलों की। और 26 आई थिंक 28 तारीख को उन्होंने रैली भी निकाली थी कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप्स ने, कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के हक के लिए। और लोग जब तक इन्होंने रास्ते, आप देखिए जो डरता है आंदोलन से ना वो रास्ते बंद करता है, वो बैरिकेड्स लगाता है, वो किले लगाता है, वो सड़कों को खोदता है। अब नाउ सी हु इज स्पॉइलिंग द प्रॉपर्टी, कौन नुकसान कर रहा है? नुकसान किसान से जनता को है या सरकार से जनता को है? कौन प्रॉपर्टी, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, ये पीसफुल तरीके से मोर्चे पे बैठे अपने अधिकारों के लिए, इनको बदनाम कौन कर रहा है? कुछ नुमाइंदे जो सरकार के हैं, जो मीडिया में जाके नाप शनाप बकते हैं और मीडिया ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आवाम है वो बिल्कुल लोगों के साथ है, जागरूक है और इनका साथ दे रही है, फूलों की वर्षा हो। और अगर अब रही अब की बात, सिंगू बॉर्डर पे थे जब रस्ते खुले थे तो दिल्ली से लोग लिटरली देखने जाते थे बार बार कि ऐसा क्या है जो इतने किसान एक जगह आके बैठे, ये कौन सा आंदोलन है भाई, मतलब कैसी रूपरेखा है इस आंदोलन की। तो लोग जगह जगह से होकर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे, देखने जाते थे, हिम्मत बढ़ाते थे। तो आप मुझे बताइए अगर वो तकलीफ में होते, दुख में होते तो वो जाते? तो परेशान लोग इनसे है, किसानों से है या सरकार से है? किसान किसकी वजह से बैठे? इन्हीं की वजह से सड़कों पे बैठे ना, रोक ब्लॉक करके। तो सरकार को सोचना चाहिए क्यों, एक सेकंड मुझे आप ये बताएं, अभी आंदोलन क्यों किया जाता है? आंदोलन इसलिए किया जाता है कि जो उसकी तपश है, जब आंदोलनकारी सड़कों पे आ जाते हैं, जब संसद आवारा हो जाती है और सड़कें भर जाती हैं, तो आंदोलन इसलिए किया जाता है कि जब रोड ब्लॉक्स होंगी, सड़कें ब्लॉक होंगी, तो सरकार को लॉ मेंटेन उस चीज को मेंटेन करना पड़ेगा जो नॉर्मल फंक्शनिंग है आवाम की, डेली फंक्शनिंग है। उस चीज को मेंटेन करने के लिए जब उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगता है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल आता है, तो फिर सरकार फटाफट से अपनी नीतियों को, सरकार को लगता है कि मेरे को अपनी नीतियों को वापस लेना चाहिए, नहीं इससे आम आवाम परेशान हो रही है जिसकी सेवा के लिए हम वहां पे बैठे हैं, समाज को ये नीतियां पसंद नहीं है, हमें वापस लेनी चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन कमाल है ईगो, इतना ईगो कि 200 से ज्यादा किसान मर गए तब आपको शर्म नहीं है? यहाँ पे कितने जाने जा रही है, कैन यू कॉल दानिश, एक सेकेंड बोल, अच्छा बोल, ये सरकार को पता लगना चाहिए जी। दोस्तों अभी रितु जी जो डॉक्टर रितु सिंह है वो गाजियाबाद के बॉर्डर से जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां से हम लोगों को अपनी बातें रख रही हैं। और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी मतलब प्रोपेगेंडा कहिए, जितने भी काउंटर नैरेटिव्स कहिए, ये सारी चीजों को वो वन बाय वन उसको ले रही हैं और बहुत सारे मिथ को, बहुत सारे गलत फहमियों को दूर कर रही हैं। अभी कुछ फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है, वो फौरन हम लोगों के साथ आएंगी, फिर कुछ सवालात अभी भी दो तीन सवालात और हैं उनसे हम करेंगे, फिर उसके बाद ये जो शो है, ये जो फेसबुक लाइव है वो
खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जो रितु जी ने जो अभी तक जो बातें कही हैं वो यही है कि ये जो आंदोलन है, जो इनके अभी तक की जो समरी है कि ये जो आंदोलन है वो 26 जनवरी के बाद कमजोर होने के बजाय ये आंदोलन और तेज हुआ है और इसमें लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। और जिस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस आंदोलन से जो आम आवाम है उनके बीच में नाराजगी है, परेशानी है, क्योंकि ये धरने पर बैठे हुए उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है, ये बातें भी दुरुस्त नहीं है। तो रितु जी फिर हमारे साथ। जी रितु जी, कोई बात नहीं। हम ये देखिए कितना हमारे पास कितना लिमिटेशन है उसके बावजूद भी। जी जी, अच्छा एक सवाल और आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पानी भी वहां पे पानी की सप्लाई भी रोक दी गई। जी, पानी की सप्लाई भी रोक दी गई, उसके बाद से सैनिटेशन का भी कुछ सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी क्या लोगों को पानी और बाकी चीजें मुहैया है या आप लोगों को बहुत सारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है? देखिए, पानी काट दिया था, पानी की सप्लाई रोक दी थी, इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी, सफाई एमसीडी की तो हड़ताल थी, लेकिन यूपी में भी इस तरफ गाजीपुर बॉर्डर पे भी अगर आप देखा जाए तो जो सफाई पहले हो जाती थी, जैसे जो वैन्स थी वॉशरूम के लिए लगी हुई वो ले जाते थे, दूसरी साफ करके छोड़ जाते थे, वो भी नहीं हो रहा था। तो वो पूरा एक इस तरीके का माहौल बना दिया था, जैसे छोटी छोटी चीजों से कि किसी तरह से भी किसान परेशान हो और वो यहाँ से घर चला जाए, और मतलब या घर चला जाए या आंदोलन को खत्म कर दिया जाए या दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया जाए, बिल्कुल क्या था। लेकिन कहते ना, आपकी आपसी यूनिटी जो रियलिटी है ग्राउंड पे वो इतनी खूबसूरत थी कि दिल्ली के जो आम लोग हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें फोन आ रहे थे, हमें ईमेल्स आ रहे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे कि हमने सुना है पानी नहीं है या वहां पे ये सारी चीजें हैं तो हम कैसे पहुंचाएं। तो अन्य गाड़ियां, बहुत सारे लोग, आप मानेंगे नहीं, चंडीगढ़ तक से गाड़ी आई थी, संदीप सिंह जी आई गेस, वो स्पेशली अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर आते हैं वहां से पानी की सेवा देने के लिए, यहाँ पे पानी के लिए। तो आप सोच सकते हैं, आप यू कैन इमेजिन, जो अपने देशवासियों को पानी के लिए तरसा सकते हैं, आंदोलन करते लोगों को, अपने हक मांगते लोगों को, क्योंकि जब ये सरकार वोट मांगती है तो कहती है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, यही जनता जब अपने हक की बात कहेगी तो पाकिस्तानी खालिस्तानी नक्सली माओवादी टुकड़े टुकड़े, ये होता है। सो आई थिंक कि अब जो एक नैरेटिव बना और ये जो चीजें हुई कि पानी काट देना, इलेक्ट्रिसिटी काट देना, इसी जब ये चीज हुई थी ना, इसी ने जो एक ग्लोबल सेटबैक, जो मतलब वो जो एक बाहर के लोगों का इंटरवीन करना, इस प्रोटेस्ट के लिए बोलना या फेवर में बोलना, वो आई थिंक वो जो मूवमेंट का वो नक्शा बदला था, वो वहां से शुरू हुआ। और मैं बाहर के बोलने से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है, और अगर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी बड़ी पोजीशन ट्वीट, पर्सनालिटी ट्वीट करती है तो वो लॉ तो पढ़ती होगी ना, जो थ्री फॉर्म लॉज बने हैं वो सब पढ़ के किए होंगे ना, वो बेवकूफ नहीं है अपने ऑफिशियल हैंडल से मूर्खता से लिख दो, लाइक इनके लोग जैसे करते हैं। जी, लेकिन अब नॉर्मल फंक्शनिंग है यहाँ पे, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लोगों ने बहुत सेवा करी है, लोग आते हैं और पानी भी आ रहा है, क्योंकि आप कितनी देर स्वतंत्र देश के, तो आजाद भारत के नागरिकों को तंग करेंगे। अल्टीमेटली इनके ऐसे गंदगी से ना, इनके इस तरह के दुष्कर्मों से लोग और जागरूक हो रहे हैं। द ब्यूटी ऑफ दिस आंदोलन कि जितना ये दबा रहे हैं ये उतना, जैसे कहते ना फुवारे को अगर आप दबा के रखो वो उतनी फोर्स से बाहर आता है, ये वो हो रहा है, जितना दबा रहे हैं, जितना डरा रहे हैं, लोगों के अंदर से फियर खत्म हो जा रहा है, लोगों के अंदर से डर, आवाम जागरूक होती जा रही है, तो दैट इज गोइंग अगेंस्ट देम कि लोग जागरूक हो रहे तो वो तो चाहते ना सब मूर्ख रहे, तो ये हो रहा है। अच्छा, ये जो किल लगाने वाली जो बात थी वो भी मतलब दिमाग में, ये बात जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे तस्वीर देखी तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि किस तरह से, मतलब जो भी किल लगाने वाले लोग थे या जो वहाँ पे रोड पे बैरिकेड लगा रहे हैं और किल लगा रहे हैं, वायर जो है, जो कटीले तार लगा रहे हैं, इस तरह की हरकत ये लोग जो कर रहे थे, और बाद में कुछ इमेज आया कि शायद आप लोगों ने उसको तोड़ के वहाँ पे फूल लगाया था, ये कुछ लगाया था, तो कुछ उसके बारे में बताइए क्यों, वो क्या था? चलो, फूल लगाए थे, हाँ, वो ये लोग भी आपको बता सकते, मैं चाहती हूँ आप इन लोगों से भी इंटरेक्ट करो। उन लोगों ने क्या किया था, वहां पे तारे लगाई, तारे बिछाई, कील लगाए, खड्डे खोदे, पब्लिक टैक्स पेयर के पैसे से, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से सड़कें बनती हैं, राइट, और इनकी जेब में भी जो सैलरी जाती है वो टैक्स पे से जाती है, ऐसे नहीं आती। तो उनके पैसे से बनी हुई सड़कों को कौन नष्ट कर रहा है जी, किसके ऑर्डर से नष्ट हो रही है? वो पैसा गरीबों को नहीं मिल सकता, उस पैसे से भूखा रोटी नहीं खा सकता, तो वो उनकी गंदी चाल थी। और किसान तो है ही, आपको पता है
अगर असली आंदोलनकारी सच्चे लोग, इन्होंने हमेशा जोड़ने की काम करी और उसको बनाने की काम करी, इन लोगों ने भी मिट्टी डाली और उसमें फूल लगाए कि तुम अगर ये हरकत करोगे, तुम्हारा वो संदेश है कीले उगाने का, तो हमारा फूल उगाने का संदेश है। क्योंकि 2014 के बाद से तुम लोगों ने नफरत उगाई है, चाहे लोगों को जातियों में बांटना हो, चाहे लोगों को जेलों में डालना हो, चाहे झूठे केस बनाने हो, नफरत ही उगाई है आप लोगों ने। और इन लोगों ने ये एक मैसेज दिया कि तुम कील उगाओगे, हम फूल उगाएंगे जो सुगंध देगा लोगों को और पीस का मैसेज देगा। अच्छा एक चीज और बताइए, एक चीज और है कि किसी भी आंदोलन को आप एक लंबे वक्त तक उसको बनाए रखना, उस मोमेंटम को बनाए रखना, ये काफी मुश्किल काम होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो वो सरकार के साथ जो लोग बैठे हुए हैं, उनको उनके अंदर में ये लग रहा है कितने दिन बैठेंगे, गरीब लोग हैं क्या, ये जो हालत के मजबूर लोग हैं कितने दिनों तक बैठेंगे, 10 दिन बैठ गए, 1 महीना बैठ गए, 2 महीना बैठ गए, कितने दिन बैठेंगे? तो ये जो उनकी मतलब साजिश है, ये क्या कामयाब हो सकती है? जी नेवर। गरीब लोग हो सकते हैं, मजबूर लोग हो सकते हैं, ना ही बेईमान है, ना ही इनका जमीर बिका हुआ है, और ना ही किसी के गुलाम है, ना ही किसी के एजेंट है, राइट? सच्चे लोग हैं, जमीन पे बैठे हैं संघर्ष करने के लिए। जैसे जब नया सिंघू बॉर्डर पे चालू हुआ था, तो उन्होंने कहा था 6 महीने का राशन लेके आए, तो अपने घर से लेकर आए थे ना, उसके बाद जो लोगों ने, बाकी लोगों ने सेवा करी है, कोई कमी नहीं है इस आंदोलन। क्योंकि जहां पे ट्रूथ है, सत्य को भी मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना मजबूर करोगे उतना मजबूत होता जाएगा सत्य, तो ये वही हुआ है। ये लोगों से अगर आप चाहें तो मैं इंटरेक्शन करवा सकती हूँ, ये लोग जाने नहीं वाले। अगर उनकी ईगो है, उनके 56 इंच के सीने में पत्थर जैसा दिल है जो वो दिखाते हैं, तो ये लोग सच्चे लोग हैं। इन लोगों के अंदर वो फीलिंग है आंदोलन करने की, और इन लोगों के अंदर फीलिंग है कि अब आए हैं तो अपना हक लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। उनकी ईगो पे इनके ईमान की बात है, इनके अस्तित्व की बात, तो आप सोच सकते हैं ये लोग हल्के में वो भी ना ले इनको, ये लोग पूरे डेड डिटर्मिंड। अगर इस उम्र के बाबा या इस उम्र के बापू जी, ये लोग देखो, यू कैन पैन द कैमरा, ये यहाँ पे जाओगे बिना हक लिए बाबा नहीं जाओगे ना, मतलब तो आपके जैसी बहन हमारे साथ खड़ी थमक कहाँ जाने की जरूरत रहेगी। थैंक यू जी, तो शुक्रिया। हाँ तो आप देख सकते हैं कि जब ये कोई, देर इज नो एज ना इस यहाँ पे, फ्रॉम लाइक 80-90 ईयर्स का किसान टूडे, इफ यू अगर आप देखें तो इस आंदोलन में 20-30 साल के बच्चे जो यंगस्टर्स हैं, वो भी किसान, वो भी आकर बैठे। तो आप किस किस को बरगलाओगे, कहाँ कहाँ खत्म करोगे, सोचोगे कि डरा देंगे, धमका देंगे, ठीक है लंबा चलेगा। यूजुअली दिस इज अ स्ट्रैटेजी, ये एक स्ट्रैटेजी होती है कि बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो अपने भी लोग थक के घर चले जाएंगे। नो 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 नो, दे हैव ऑल्सो स्ट्रेटेजाइज्ड, 5 जाएंगे पिंड से, 5 आएंगे, भाईचारा बढ़ गया लोगों में। आप, मैं आपको बता रही हूँ, इवन की जातियों में भी जो ब्रिज था ना, जो वॉल थी, वहां पे ब्रिज बन गया, वहां पे ब्रिज बन गया। यू कैन कनेक्ट, दीवारें तोड़ के ब्रिज बना दिया, दीवार को हटाओ, ब्रिज बांध के कूद के, तो जो इन्होंने किया वो भुगतेंगे अब ये। क्योंकि वहां पे जातियां भी सारी जो ऊपर नीचे थी इकट्ठी होकर एक साथ आ रही हैं, वहां पे जो सुप्रीमेसी ऑफ यू नो मेरा कास्ट का कह लो या फिर मेरे रिलीजन का, उसको भी हटा के लोग साथ आ रहे हैं, लोग साथ आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम आंदोलन करो, 5 दिन हम तुम्हारे परिवार को देख लेंगे, 5 दिन हम तुम्हारी जमीनें देख लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप इमेजिन कर सकते हैं, उनकी ईगो है, लगे रहे ईगो में ये आंदोलन। बार बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैडम ये आंदोलन कब तक चलेगा, क्या है कैसे, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मोदी जी चाहेंगे, जब तक भाजपा सरकार के जो प्रधान है मोदी जी वो चाहेंगे। क्योंकि अगर वो चाहें अपने देशवासियों की बात को सुने, समझे और इंसानियत के तरीके से अपना बड़ा दिल रखे और डिसीजन ले, अवाम के हितों के लिए सोचे, तो ये आंदोलन कल सुबह वो निर्णय दे दे, 3 बिल्स को रिपील कर ले, रात को ये आंदोलन खत्म हो जाए। जी अच्छा एक चीज और बताइए, जो आप, जो भी हमारे भाई या दर्शक जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि 3 फार्मर से रिलेटेड, फार्मिंग से रिलेटेड 3 कानून पास हुए हैं, 3 लॉज पार्लियामेंट में पास हुए हैं, एक तरह से कहिए कि उसमें धांधली भी हुई राज्यसभा में, लेकिन 3 जो पास हुए हैं वो, उसको हम मोटे मोटे शब्दों में ये कहते हैं कि ये कृषि कानून है या जरई कानून है या फार्म्स लॉ बोलते हैं। इसमें हुआ ये है कि जो सरकार जो अनाज और गल्ला जो खरीदती थी और जो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी किसानों का, उससे वो पीछे हट जाएगी और मार्केट जो है, बड़े बड़े कारपोरेट प्लेयर जो है वो तय करेंगे कि कितना पैसा हम दें, कब खरीदे कब ना खरीदे। और एक और बात इस बिल के साथ जो आ रही है, परेशानी वाली ये आ रही है, कि इसमें कितना भी सामान खरीद के उसको रखा जा सकता है। अब आपको भी पता है, मैं खुद गाँव से आता हूँ, मुझे पता है कि गेहूं जो है मेरे यहाँ, अगर किसी के पास
दो चार क्विंटल ज्यादा गेहूं हो जाते हैं तो वो उसी सीजन में इसलिए बो देते हैं, बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है, अगर उसमें कीड़े लग गए तो उसका वजन कम हो जाता है। तो ये क्या करेंगे बड़े बड़े पूंजीपति लोग कि वो बहुत कम पैसे में आपसे वो अनाज खरीद लेंगे, फिर इनके बड़े बड़े गोदाम होंगे, इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद से जो आपको इतने महंगे कीमतों में बेचेंगे कि आपको खा नहीं पाएंगे। अब मिसाल के तौर पे जो मैं ब्रेड हार्वेस्ट का जो लाता हूँ, आप देख लीजिए 30 रुपए के ब्रेड होते हैं, आप देख लीजिए, मतलब आप सब लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि 27 या 28 रुपए किलो में आपको 1 किलो आटा मिल जाता है जैसे, और आपको एक ब्रेड 200 ग्राम का या 250 ग्राम का ब्रेड आपको 30 रुपए मिलता है, जिसमें 15 या 16 आपके अंदर में रोटियां होती है, पाव रोटियां होती हैं। तो ये कानून मक्का, है मक्का, तो किसान मक्का भी देख लीजिए कितना सस्ता मिलता जी, है जी, जी, किसान किसान से कितने दाम में खरीदते हैं। मैं ये कह रहा हूं जी, तो मैं जी तो मैं मैंने जो आजकल जो जब मतलब मीडिया को मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, तो एक पोजिशन मीडिया की ये आ रही है कि फार्म्स बिल जो है बहुत ही अच्छा है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कभी कभी किसान का आंदोलन बहुत तेज हो जाता है तो कहते हैं कि दोनों तरफ से कंप्रोमाइज होनी चाहिए, मतलब हट दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी बात ये आ रही है रितु जी कि कुछ लोग ये कह रहे हैं जो हुकूमत के साथ है, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं किसानों के साथ, कि एक तरफ तो किसान ये कह रहे हैं कि तीनों कानून को रद्द करो और एक तरफ 10 राउंड का टॉक भी कर रहे हैं, तो डबल स्टैंडर्ड किसानों के साथ। तो ये जो मैंने बातें कही कि क्या डिमांड्स हैं किसान के, क्या किसान सही में डबल स्टैंडर्ड्स अपना रहे हैं, क्या किसान ये तीन कानून को रद्द किए बगैर कुछ और उनके मतलब किसी और चीज पे वो संतुष्ट हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सहमति बन रही है जी? ये बहुत ही आम सवाल मुझे लगता है जी। मेरा सवाल क्लियर है या मैं फिर से रिपीट करूं? मैं ये सवाल कर रहा हूं रितु जी कि अब किसान जो है क्या तीन कानून जो है कृषि कानून उसको रद्द किए बगैर, आवाज कट रही है और कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है, ओके ओके, कुछ नेटवर्क का इशू है, मैं एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर दे रहा हूँ। रितु जी अभी स्क्रीन पे नहीं है जस्ट दोस्तों जी। रितु जी मैं सवाल ये पूछ रहा था आपसे जी। रितु जी मेरा सवाल ये है कि क्या किसान इस तीनों फार्म्स लॉज को रद्द किए बगैर क्या किसी और बिंदु पे संतुष्ट हो सकते हैं, या उनका पहला और आखिरी डिमांड है कि ये तीन कानून को मतलब रिपील किया जाए जी? इफ यू अलाउ मी, मैं आपको किसानों के मुंह से सुनाते हैं जी। बिल्कुल 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 जी। ये पूछ रहे हैं कि जो तीन कानून हैं आप भी आ जाओ, उनको लेकर ही वापस जाओगे या कोई तीसरा विकल्प ढूंढे? कोई विकल्प नहीं है, दिल वापसी, घर वापसी, सरकार वापसी, हम वापसी। सरकार चली जाएगी 2.5 साल बाद, उस दिन जिस दिन 7 तारीख को ये चुनाव करेंगे, उस दिन हम 7 तारीख को ये हमारे दोस्त भाई सब यही कहेंगे, उस दिन आखिरी दिन होगा आपका, उस दिन तक आप मोदी जी ये कहते रहो हम वापसी नहीं है, हम वापसी नहीं होंगे। कोई विकल्प नहीं है, जब तक कानून वापसी नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं। तीनों कानून, तीनों कानून, तीनों का मतलब ABCD में वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा तभी वापसी होगी। इससे पहले आप कोई क्या कहते हैं? कोई तीनों कानून कोई तीसरा आप देख रहे हैं कि कुछ अल्टरनेटिव आ जाए? नहीं 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 नहीं, रितु जी मैं भी चाह रहा हूं कि एक कानून जो है वापस हो जाए, रिपील। रितु जी मैं भी चाह रहा हूं कि एक कानून वापस हो जाए। अगर किसान किसान की बात नहीं मानने जाएगी, 2.5 साल बाद सरकार बदलने जाएगी, सरकार बदलने में हम कानून बदल देंगे, सरकार हमारी होगी, इसके बाद में सरकार हमारी होगी, सरकार के बाद में हम कानून बदल लेंगे, इस पर्चे को हम पार्ट के फेंक देंगे। रितु जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे सारे भाई हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, और जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको लगेगा, उनको बिल्कुल महसूस हो गया होगा कि हम कितनी जमीन से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये इनके अंदर का दर्द है, पेन है, कि वो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रताड़ित हो चुके हैं उस चीज से, या कितना दुख भरा अंदर की दे कैन नॉट टॉलरेट। अगर वो देखते हैं कोई मीडिया यूजली, तो वो ये देखते हैं कि अगर एक सेकंड तो वो ये देखते हैं कि अगर कोई मीडिया वाला अगर आता है बाइट लेने, तो उनको लगता है कि भैया हमारी भी लो ना, हमें सच दिखाओ, हमारी बात सुनाओ। वहां तो जब टीवी खोल के देखते हैं जब झूठ चल रहा है, पता नहीं कौन सी जगह पे आते हैं वो देख के चले जाते हैं कि मुट्ठी भर किसान है किसान नहीं है। तो इस तरह का ये एक पेन है कि हम भी बोलना चाहते हैं। हम देखिए रितु जी,
ये जो हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, हो सकता है कि अभी इमीडिएटली इसको बहुत ज्यादा लोग नहीं देख रहे हों, लेकिन इसकी एक डॉक्यूमेंट्री वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हम सही चीजों को रिकॉर्ड करके आज जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो साधन है हम इसको यूट्यूब और फेसबुक पे डालते हैं, और जिनको जरूरत है सच जाने की वो डायरेक्ट इस चीजों को देख सकते हैं। तो मैं सब लोगों का एक आपके तरफ से मैं सब लोगों को आदाब और नमस्कार कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने हमसे बात की। तो मैं एक सवाल यही मैं पूछ रहा हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आपके तीन कानून वापस करने के जो आपके डिमांड्स हैं, तो 10 राउंड के डिस्कशन में आपने क्या बात की है, ये आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप जी देखिए वो इल्जाम कुछ भी लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है 10 राउंड में किसानों ने बात नहीं करी, वो अड़े रहे। देखिए हम तो अपील ही कर सकते हैं ना, हम तो जाके डिस्कशन ही कर सकते हैं। हर एक के दिल में होप थी शायद अब मान जाए, शायद अब सुन ले। जब भी वो वहां से आते थे मीटिंग करने, पूरी जनता की टकटकी लगी हुई थी, एक तरफ नजर रहती थी कि आवाम की जो किसान बैठेगे अब क्या आएगा, अब क्या बोलेंगे, अब हो सकता है अब कुछ हो गया हो, अब इसमें ईगो जो उनका है इतना वो टूट, यू नो उनकी जो फ्रजाइल ईगो है वो डाउन हो गई हो, और अब कुछ चेंजेस आ सकते हैं, वो वापस ले ले कानून को। लेकिन वो इसीलिए मीटिंग उसमें होती रही क्योंकि इतने सारी आवाम, इतने सारे जनता किसान सड़कों पे आ गए, तो उनको लगता था आजकल करते कभी तो सुनेंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना अहंकार उनके अंदर भर चुका और इतनी ईगो की दे डोंट वांट टू चेंज। जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो वहां से लगाए जा रहे हैं, यहाँ के संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे आप वी कैन नॉट से कि यहाँ की कोई गलती थी या ये डिनाइंग मूवमेंट में थे या ये चाह रहे थे लंबा चले, ऐसा कहीं कुछ नहीं, हम नहीं यहाँ पे देख पा रहे। अच्छा एक चीज अब देखिए, अब एक आध सवाल लेके मैं इसको खत्म करूंगा। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ जो कि इसका टाइटल भी है, जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम को जो शीर्षक दिया था कि चैलेंजेस अहेड, आगे क्या हमारे सामने मुश्किलात हैं। तो मैं रितु जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कोई और हमारे साथी जो वहां पे खड़े अगर वो बोलना चाहते उनको भी आप मेरे तरफ से अनुरोध कर सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। अब ये बात बताइए, 2 महीना से ज्यादा इस मूवमेंट को गुजर गए, हमने सर्दी आने से पहले से वहां पे मूवमेंट को शुरू की, अब मौसम बहार आ गया, गर्मी आएगी, तो अभी अभी जो 10-15-20 दिन के अंदर में जो हमारी एक स्ट्रेटेजी है वो क्या है, अभी क्या स्ट्रेटेजी आई है आप बताएंगे। मीटिंग तो की थी, वो मीडिया पर की थी कि ये हमारी भावना समझ जाएंगे। ये रितु जी मैं पूछ रहा हूं कि अब आगे क्या करना है, और आप आपके साथ जो देश के लोग खड़े हैं उनके उनको आपके साथ साथ आने के लिए आपकी क्या अपील है, और आगे का क्या मतलब स्ट्रेटेजी है इस आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए या फिर कुछ विजय हासिल करने के लिए। देखो मैं तो पहले आपको ये कह दूं कि बार बार हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि 30 साल के बाद ये मूवमेंट हुआ है, शायद हमारी उतनी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी उम्र है हमने अभी तक ऐसा आंदोलन नहीं देखा। तो ये आंदोलन यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज है, एजुकेशन के साथ साथ एजुटेशन भी चलता रहना चाहिए। जब जब आपके ऊपर इस तरह का जुल्म हो तो उस जुल्म को सहे ना, इनजस्टिस को सहे ना, इनजस्टिस के खिलाफ लड़े, क्योंकि अगर आप इनजस्टिस को सह रहे हैं या किसी के साथ इनजस्टिस होता, अन्याय होता देख रहे हैं, तो आप भी उसमें उतने ही भागीदार हैं, आप भी। तो ये एक सबके लिए एक मैसेज है यहाँ से, और किसान भी देना चाहेगा कि आप जो सत्ता पक्ष में भी बैठे उनका अच्छा जो गंदा चेहरा है वो सबके सामने आ चुका है, जुल्म हो रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, लोगों के प्राणों की आहुति जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और आप जुल्म होता देख रहे हैं, तो आप भी उसमें उतने ही भागीदार है। अल्टीमेटली ये सब आप कर रहे हैं, आपकी गलती थी। तो यूथ वाई आई एम सेइंग एवरीवन, बट एज अ यूथ आई एम सेइंग दैट यूथ मस्ट रियलाइज इट कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर सामने आए, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेयरिंग भगत सिंह ऑन योर बॉडी टी शर्ट्स लाइक एंड यू नो टॉकिंग अबाउट अम्बेडकर, मस्ट रियलाइज देयर टीचिंग्स, मस्ट बी अ ट्रू अम्बेडकर, और भगत सिंह को समझना है तो आंदोलन में आओ, उनको उनके तरह अगर संघर्ष करना है तो आपको उस चीज से निकल के आना पड़ेगा। तो रही फ्यूचर, हमारी ये स्ट्रेटेजीज है, जो जिस तरह के जो भी किसान यूनियंस के जो भी लीडर्स हैं, जो वो डिसाइड करेंगे, वी आर देयर विद देम, वी आर सपोर्टिंग देम, और अभी तक जो ट्रस्ट मेंटेन हुआ है दे आर डूइंग गुड, अभी तक जो हो रहा है स्पेशली व्हाई टॉक अबाउट गाजीपुर बॉर्डर, बिकॉज राइट नाउ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो यहाँ की जो दिशा है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे यही है कि वापस नहीं जाना है, घर वापसी तो होने नहीं वाली जब तक बिल वापसी नहीं होने वाली। अब आप इस सवाल का जवाब इन किसानों से, मैं कहती हूँ बेहतर है आप इनसे लें, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, इनसे पूछिए।
आप बता सकते हैं कि अब आने वाले टाइम पे जो मुश्किलें, ये कह रहे हैं कि और बढ़ने वाली हैं, कि आप लगता है क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या आंदोलन का क्या? मुश्किलें हमारी नहीं बढ़ेंगी, मुश्किलें सरकार की बढ़ेगी, क्योंकि जब सरकार जितना आगे ले जाएगी उतना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। इन्हें आगे 2022 का चुनाव भी लड़ना है, जितना खिलाफ करेगी उतना ये गद्दी के नीचे आ रही है, योगी साहब उसे नीचे आ जाएंगे। तो मुश्किल अपनी बढ़ा रहे हैं, हमारी नहीं बढ़ा रहे हैं, ये अपने लिए बढ़ा रहे हैं। हम तो मुश्किल का सामना करने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पुलिस जाते कहते जुर्म करती है, हम सह लेते हैं कि हम तो फिर सहते रहेंगे, लेकिन अपने लिए अब ये सब सारे कदम अपने लिए बढ़ा रहे हैं। सत्ता अपने लिए कदम बढ़ा रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, हमारे कोई मुश्किल नहीं बढ़ेगी, हम तो इस तरह ही सहते रहेंगे और इस तरह ही जब तक वापसी नहीं, तब तक घर वापसी नहीं है हमारा। मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी मुश्किलें और आगे। वो पूछ रहे हैं कि अब दो इतना महीने हो गए, सर्दी भी आ गई, गर्मी भी आने वाली है, तो आपके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएंगी आगे। मुश्किल आएगी है क्या? मुश्किल लेकिन सर जो ऊपर सर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तख्त पे बैठे हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सरदार जी कितने दिन रहेंगे, इनके पास भी तो पेट है, चले जाएंगे अपने घर, हम इनको और लंबा बैठाएंगे, देखते हैं कितना दिन बैठते हैं, इसका कैसे मुकाबला किया जाए? जी लंगर गुरु का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 आंदोलनकारी और आप समझ सकते हैं वो जील वो एंथू कहाँ से आता है। जी जी बोलिए सर। हम मिट्टी में पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर इस सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं झुकाएंगे, हम इससे क्यों घबराएंगे? अच्छा, जब मिट्टी से लड़ते हैं रात, तो हम इससे क्यों घबराएंगे? अच्छा एक सवाल का और एक सवाल का और जवाब दीजिए, बस दो सवाल पूछूंगा उसके बाद हमारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। आप लोगों की जो सुरक्षा और हिफाजत है, इसको लेके हम लोगों के दिलों में बड़ी बेचैनी रहती है। हम सुनते हैं कि कोई आके रात में पत्थर चला देता है, तो कोई कुछ कर देता है, तो क्या आप लोग पहरेदारी करते हैं? सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे, आप लोग बाहिफाजत तो है वहाँ पे? जी हम अपनी सुरक्षा खुद अपने आप करते हैं, बाकी हमारा फोर्स है वो भी करता है, मगर हम खुद अपने आप करते हैं। वॉलंटियर्स हैं जगह जगह पे तैनात। जितना सिक्योर आपको यहाँ पे लगेगा ना, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में या यूपी में कहीं और लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉलंटियर्स रात दिन सेवा करते हैं, वॉलंटियर्स के कार्ड है, और आप किसी के भी पास जाओ, भी देखो मैं हूँ यहाँ पे खड़ी, आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो सिक्योर, क्योंकि सब अपने हक के लिए आए हैं, सब अपने हक की लड़ाई लड़ने आए। बाबा कितनी डर लग गया? नहीं डर का मतलब नहीं। अच्छा अच्छा ऋतु जी आखिरी सवाल, ऋतु जी आप क्या कर रहे हो? हम सेवा कर रहे हैं। सेवा? अच्छा क्यों ऋतु जी? बस एक आखिरी सवाल आपके लिए भी और लोगों के लिए भी है। देखिए हमने बहुत ही ये जो डिस्कशन था उसमें बहुत हमें बहुत परेशानी थी, बहुत स्ट्रेस था जब हमने शुरू की बातचीत की, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है कि जो जिंदगी है उसका नाम ही एक मतलब संघर्ष है। जी संघर्ष के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप या बाकी हमारे जितने भी भाई यहाँ पे या बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ पैगाम देना चाहते हैं जो लोग अभी तक इस आंदोलन से नहीं जुड़ पाए हैं, या इस आंदोलन को लेके कुछ उनके मन में गलतफहमी है, तो उनके लिए या भारत के जो अन्य प्रांतों में जो अन्य रियासतों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं, तो बहुत ही संक्षेप में आखिरी मतलब मेरा ये सवाल है कि कैसे उनको आप अपने साथ जोड़ेंगी, उनसे क्या अपील करेंगी? भारत के हमारे जो दूसरे हमारे जो साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, जो अन्य भारतीय हिंदुस्तानी। जी ऋतु जी आप शुरू कीजिए। जी अरे निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। तो आप भी कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कहती हूँ यूथ को, जैसे मैंने बार बार कहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप इनसे सुनो। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि दिस मोमेंट इज नेवर गोइंग, ये दोबारा वापस नहीं आएगा, सो लिव इट। आइए और अपने हक की बात लड़िए। जो भूखा है रोटी को तरसा है वो आए अपने हक की बात करने, जो लॉकडाउन में परेशान होकर पैर पैदल चल के जिसके पैरों पर छाले पड़े और वो रोज पानी को तरसा है वो भी इस आंदोलन में आए, और जो एक सेकेंड जो जिसके जिसके वो सिर्फ वो इस आंदोलन में ना है जिसको 15 लाख मिल गए, जिसको 2 करोड़ रोजगार मिल चुके हैं, जिसके अकाउंट में काला धन जो जितनी ब्लैक मनी बाहर जा चुकी थी वो आगे वो नहीं आएंगे। बाकी जो आवाम है जागरूक है जिनके अकाउंट में नहीं आए सारे वापस आ जाएंगे, रोजगार नहीं मिला वो आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ किसान का अन्न खा के मोदी जी पलते हैं और वो ये नहीं सोच रहे हैं अगर उन्हीं पे जुल्म उठा रहे हैं किसान के विरुद्ध। जी और कोई कुछ कहना? जी जी पैगाम देना चाहते हो? कोई पैगाम देना चाहते हो? जी जी कोई पैगाम देना चाहते हो? अभी जाए और इनके बीच सरकार बदलना है, सरकार बदल देंगे, सरकार बदल देंगे।
यू हक हर हिलाल बदल लगे ये हमारे महेंद्र सिंह टिकैत के लड़के ने राकेश टिकैत ने आज यह बात कही, हमें ना तो बॉर्डर पर लौटने की जरूरत है ना हमें कोई काम करने की जरूरत है, हमें सरकार बदलने की जरूरत है, हम तट की मोदी की सरकार बदल देंगे और सरकार बदलवा नहीं चाहता हो। थैंक यू रितु जी, रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से सब लोगों को शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी 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 आपके आंदोलन के लिए ऑल द बेस्ट और हम सब आपके आंदोलन के साथ हैं। जी हाथ जोड़ के जी 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 और हम यही चाहेंगे कि ये जो लॉ है जितना जल्दी रिपील हो जाए और भारत का जो फूड सिक्योरिटी है इसको कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में न दिया जाए और इतना जो इम्पोर्टेंट जो मामला है जो रोजी रोटी का जो सवाल है, जो खाने पीने का सवाल है, इसको कॉर्पोरेट के हाथों में न दिया जाए और आप लोगों को इस तरह से परेशानी के साथ ना जूझना पड़े, इतने दिनों तक बैठना ना पड़े। तो रितु जी हमने बहुत सारी बातें की और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना लाइव सारी बातें हमारी कराई और हम इसको हम थोड़ी देर बाद इसको हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे और हम इसको शेयर भी कर देंगे ताकि सच को सब लोग जान पाए। रितु जी आपका बहुत और हम सब लोगों का समर्थन आपके इस आंदोलन के साथ है। जी रितु जी हम सब लोग अपनी सॉलिडारिटी आपके साथ है। जी 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 थैंक यू, बाय टाटा, थैंक यू।